वेलकम बैक वंस अगेन टू व्लॉग्स विद रजनी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी दिवाली बहुत शुभ जारी होगी। कुछ लोगों ने कल मनाई, कुछ लोगों ने आज मना रहे हैं, तो जो जब भी मना रहे हैं उन सब के लिए हैप्पी दिवाली। और मेरा कल का व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा, बट मेरी दिवाली आज भी चल रही है। मैं तो कहूँ मेरी 11 महीने दिवाली चलती रहे और मैं मतलब भगवान का स्वागत इसी उल्लास के साथ करती रहूँ, मैं तो यही मनोकामना करती हूँ। तो मेरी दिवाली वैसे आज भी चल रही है और तबीयत मेरी ढीली हो चुकी है, वो सफाई वफाई थकान वकान सब अभी तो त्योहारों के बाद पता चलेगा। तो मेरी दिवाली आज भी चल रही है, अभी मेरी पूजा हो चुकी है, हस्बैंड गए हुए हैं फिर से आज देवताओं पर। वैसे आज मतलब ऐसे कोई प्रसाद नहीं बनाया मैंने, लेकिन हाँ पूजा का पूरा सामान लेकर के जो भी आप सब लोगों को पता ही होगा जैसे जिसके यहाँ पर होती है। हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, दिए जलते हैं देवताओं के नाम के, पितरों के नाम के, उन्हें जनेऊ पहनाया जाता है। तो वो पूजा का सामान वगैरह लेकर के आज फिर देवताओं पर गए, अकेले गए हैं। मेरी पूजा हो चुकी है और टाइम थोड़ा लेट, थोड़ा नहीं काफ़ी लेट हो रहा टाइम, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। और साफ़ सफाई नहाना धोना सबका हो चुका है, नाश्ता पानी भी किसी ने कुछ नहीं किया है। तो अभी देखती हूँ कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊँगी, कल पूरी वूरी बनाई है वो खाइए ना। तो रात में तो बच्चों ने भी मतलब खाना वाना खाया ही नहीं है, बस जो बना हुआ था वही हस्बैंड को भूख लगी इन्होंने खा लिया, बच्चों ने मीठा खीर पताशे मतलब जो एक मेन प्रसाद होता है बस वो खाया। और मैंने एक मिनट, अभी देखो इधर बेटा भी तैयार हो गया, आज उसने पहनी है शर्ट, कल उसने पहना था कुर्ता, तो मतलब शाम में फिर से वो कुर्ता ही पहनने को कह रहा है ले बाबू। और हमारे यहाँ ना ये होती है कुल्लो में रखी जाती है खील पताशे, और मेरे दोनों बच्चों को ना इसमें रखा हुआ ये प्रसाद खाने में बहुत आनंद आता है। तो अभी मुझे थोड़ी सी रंगोली भी बनानी है आज फिर से, क्योंकि बेटी ने बनाई थी कल तो। और फ्लावर्स वगैरह से जो आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा उसमें देख ली होगी, वो वाली हम लोगों ने सफाई की तो हमने समेट दी थी, आज फिर से ताजी रंगोली। मेरा मन है कि मैं भी बना लूँ, क्योंकि इस बार मैंने रंगोली बनाई ही नहीं है, थोड़ी फूलों से ही बनाई थी बस। तो अभी सोच रही हूँ थोड़ी रंगोली बनाऊँ, और बाकी आप पूजा घर मेरा देख सकते हैं, एकदम साफ सुथरा है, सब तैयार है अच्छे से। और इधर ये देखिए, और ये इधर ना मैंने जो वाटर सेंसर वाले दिए होते ना वो जलाए हुए हैं। ठाकुर जी ना कल उनके लिए ड्राई फल, तो इन पे नूर आ रहा था और इन पे ठाकुर जी पे भी, राधा रानी जी पे भी। रात भी मैं दीपकों के चक्कर में ही उठती रही सारी रात। अच्छा अभी रात हो चुकी है और अभी आकर के बैठी हूँ, शाम से मतलब यही काम है, जाना आना जाना आना जाना आना जाना, गिफ्ट वगैरह के चक्कर में यही नहीं निमट के दे रहा है। और हस्बैंड तो अभी भी गए हुए हैं, वो अभी तक आए नहीं है। और टाइम मैं सही बताऊँ आपको क्या हो रहा है, तो 9 बज रहे हैं। और सुबह व्लॉग शुरू करने के बाद अब तक तो मैंने फ़ोन उठाया नहीं था, बट अभी मैं बस हाथ मुँह हाथ मुँह धोने जा रही हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ थोड़ा पूजन की तैयारी, पूजन करते हैं तो आप लोग साथ में बने रहिए। तो अभी मैं इधर बैठी हूँ, मंदिर में जो मेन दीपक होता है वो मैंने जला दिया है, और अभी इधर मंदिर में लक्ष्मी पूजन की मैं तैयारी कर रही हूँ, राम जी की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और उसके लिए मैं अभी थोड़ी सी बत्तियाँ बनाऊँगी और बड़ा दीपक जो सारी रात जल रहा है वो जलाने की तैयारी कर रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ना आज का जो ये दिन है ना, मतलब वैसे तो मेरा कुछ खास नहीं गया है, लेकिन हाँ इस समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान जी ने हमें दूसरे दिन भी दिवाली बनाने का मौका दे दिया, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बत्ती बनाने में टाइम लगना है तो सोचा बातें करते करते बना लेती हूँ। और आप लोगों ने भी अपने अपने यहाँ पर 2 दिन मनाई है या 1 दिन मनाई है, अगर आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं। मैंने ना आज फिर मुझे थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई, फिर मैंने कट विदाउट स्लीव्स स्लीवलेस पहन लिया, पर थोड़ा सा चीप सा लगता है, मैं दुपट्टा डाला हुआ है, वैसे भी पूजा करने बैठी हूँ मैं अब तो डालना ही था। और
बातें करते करते मेरी बत्तियाँ, देखो अगर किसी को बत्ती बनानी नहीं आती है जो रेडीमेड लेता हूँ उनको मैं सिखा रही हूँ, इस तरीके से करो, ऐसे रखा और ऐसे हथेली से ऐसे घुमा दो इसको और हमारी बत्ती बनके तैयार हो गई। देखो पागल मत बताना मुझे क्योंकि मैं सिखा रही हूँ। भाई बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं आती है, तो कोई अगर सीख लेगा तो मैं सक्सेस हो गई अपनी वीडियो में बनाने में। बातें ज़्यादा नहीं करती, तो देखो मैंने फिर से पूजन की तैयारी कर ली है। फूलों की नई माला मैंने इनको पहना दी है, सुंदर लग रही है बहुत। और इधर मेरे दीपक तैयार हो गए, अभी बस तेल डाल लेती हूँ उनमें मैं। तो इधर अभी बस अपने दीपक मैं तैयार कर रही हूँ और फिर करेंगे आरती। बहुत अच्छा लग रहा है सच में, कल ही ये प्रिपरेशन कर उसके बाद आज ही फिर कर रही हूँ ना, फीलिंग बहुत अच्छी वाली आ रही है मुझे और आप लोगों को भी आ रही होगी देख करके कि पहला व्लॉग भी दीपावली का पूजन का और दूसरा भी सेम टू सेम, वैसे तो तीसरा है छोटी दिवाली का भी था। तो इधर मेरे देखो दिए हो गए तैयार, अभी बस बारी है अपने बड़े दिए को अच्छे से स्थापित करने की। और बड़ा दिया ना कभी भी मैं फूलों के बिना स्थापित नहीं करती हूँ। तो ये हो गया स्थापित और अभी इसमें डालते हैं ऑयल। देखो कितनी सुंदर सी प्लेट है मेरे पास ये, और मेरे ये याद ही नहीं रही, मैंने दीपक के लिए ही निकाली थी स्पेशली कि मैं अपने दीपक इसमें लगाऊंगी। और ये देखो मेरे दीपक जलकर तैयार हो गए हैं, बस अभी मैं आरती कर लूं। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। इधर मेरी पूजा देखो यहाँ पर हो गई है और कितनी प्यारी लग रही है मेरी प्लेट पूजा की। आपको पीछे ना ये कौन सा?
पूजा हो गई है, दिए लगा दिए हैं, अभी कोई आया है तो चाय बनाई है मैंने। मेरे बाल खराब कर दिए इसने, बुरे लगते हैं उसमें निकल जाता। और ये देखो बीट्स वगैरह लगाई है सुबह से इसने। अभी बज गए रात का 10:15 हो रहा है। अभी चलती हूँ कुछ खाने पीने का काम करने के लिए, बनाने का मतलब। उसके बाद खाने का तो पता नहीं अभी कब होगा। वैसे बनाना क्या है भाई? तो यहाँ पर टाइम हो रहा है अभी रात का 11:00 बज चुका है, 11:05:06 हो रही हैं। और कल मैं ये भूल गई थी, बट अभी मैं आई हूँ, एक लास्ट जो एक रिचुअल रहता है दीपावली का वो है, जो ये दिया है हमारा सारी रात जल है, जो इससे काजल निकालना और उसको आँखों में लगाना, तो उसके लिए मैं ले आई हूँ। हमारे यहाँ पर इसे बड़ा अच्छा मानते हैं, सूखी ऐसे काजल निकाल के ना उसको आँखों में लगाते हैं, आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मैं तो अपनी रेगुलर रूटीन में भी, अब तो मैंने छोड़ दिया, 1.5 साल हो गया, जैसी मुझे आँखों में कोई दिक्कत महसूस होती थी तो मैं ये निकाल कर सरसों के तेल की बत्ती ली, हल्का सा ना इस तरह से उसका लिया और लगा लेती थी रात को। और सही में मेरी ना दिक्कत खुजली उजली मतलब इस तरह की, यानी कि आइजर बढ़ जाएगी भाई, वो तो नहीं बढ़ेगी इससे, तो वो मेरी सही हो जाती थी। और भाई ये पुराने नुस्खे हैं, जैसे ना दादी नानी के नुस्खे, वर्क तो करते ही करते हैं ये। तो बस निकल गई है मेरी ये काजल, आप लोग भी लगा लो। आप मेरी आंखें देख पा रहे हैं, मैंने लगा ली है ये वाली काजल। और ये देखो ये मुझे नज़र का टीका लगा रही है, और मैंने लगा लिया और फेस थोड़ा पीला पीला आ रहा है क्योंकि फ़ोन दूसरा है, इसने भी लगा लिया। और ये बेटे के फ़ोन से मैं अपनी क्लिप बना रही हूँ, मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाया हुआ है। तो यहीं पर बस इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सा वीडियो फिर आज समाप्त करती हूँ यहीं पर। फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ बने रहिए। राधे राधे।